Hello friends, assalamu alaikum. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel. Or the topic today going to discuss is what is the key difference between text and discourse, plus is every written literature is text, discourse or both. So aaj ka lecture jo hai bahut interesting hone wala hai aur saath mein bahut conceptual bhi. To jaldi se start karte hain. To sabse pehle hame pata hona chahiye what is text and what is discourse. According to Oxford Dictionary, text is any piece of written or printed material regarded as conveying information or as representing an extended expression of thought. तो basically text क्या है, ये कोई भी written thing है that can convey information. Simple words में कोई भी written चीज़ that can convey information is called text. Now what is discourse? Discourse is the verbal interchange of ideas. Verbal interchange we mean written or spoken communication or debate. अब ये बात आप देखें कि जो टेक्स्ट था दैट इज़ ओनली द कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन, बट डिस्कोर्स इज़ कम्युनिकेशन एंड यू नो बेटर व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन नीड्स टू वे डिस्कोर्स, लाइक दो लोग होंगे जो कि कोई ना कोई एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ कर रहे होंगे. अब हम इनके दरमियान में आगे चलते हैं और बेसिक डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स. पहला डिफरेंस जो टेक्स्ट और डिस्कोर्स के दरमियान में है वो ये है कि टेक्स्ट इज़ नॉन इंटरेक्टिव इन नेचर while discourse is interactive in nature. अब interactive से यहाँ पे हमारा क्या मतलब है कि जो text है उसके लिए response की ज़रूरत नहीं है कि आगे से जो है ना रिस्पॉन्स आ भी सकता है, मे भी नहीं भी आ सकता, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. जबकि डिस्कोर्स के लिए ज़रूरी है कि आगे से रिस्पॉन्स भी आना चाहिए. इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल एक रिटन अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो कोई भी एक बुक है उसको जो है ना वो लिख दिया गया है, मे बी वो किसी एनोनिमस राइटर ने लिखी और वो ऐसे ही पढ़ी हुई है, उसको पढ़ने वाला कोई भी नहीं है. सो दैट इज़ व्हाट के वो जो है ना सिर्फ एक टेक्स्ट है और उसके लिए कोई रिस्पॉन्स उसके अंदर नहीं है. और दूसरा जो है ना अगर हम डिस्कोर्स की बात करें तो वो बुक है उसको पढ़ने वाले भी हैं और वो रीडर रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, उस बुक को क्रिटिकली इवेल्यूएट किया जा रहा है. तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इंटरेक्शन. उसका सोसाइटी के अंदर सोशल यूसेज दिखाया जा रहा है, लैंग्वेज का जो है उसके अंदर यूसेज दिखाया जा रहा है, तो वो इंटरेक्टिव है, वो सोसाइटी के अंदर यूज़ हो रही है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डिस्कोर्स. जो कि टेक्स्ट होगा उसके जो है ना वो कोई यूसेज नहीं होगा, वो एक जगह पर बस पड़ा हुआ है, या तो उसको सिर्फ अगर पढ़ भी लिया जाएगा तो उसका रिस्पॉन्स नहीं दिखाया जाएगा. सो दैट इज़ अ की डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स के टेक्स्ट इज नॉन इंटरेक्टिव इन नेचर वाइल डिस्कोर्स इज इंटरेक्टिव इन नेचर. दूसरी बात क्या है कि भाई टेक्स्ट के अंदर जो है एजेंट इज़ नॉट नेसेसरी वाइल डिस्कोर्स के अंदर एजेंट इज़ नेसेसरी. जिस तरह से पहले भी हमने एग्जांपल के अंदर देखा, देखें बेसिकली जो डिस्कोर्स है ना इट इज़ अ टू वे कन्वर्सेशन. उसके अंदर जो है ना एक रीडर और ऑथर दोनों होना चाहिए. अगर इसी तरह से वो वर्बल है ओरल है तो उसके अंदर लिसनर और स्पीकर दोनों होना चाहिए. अगर टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड डिस्कोर्स, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो टेक्स्ट है. टेक्स्ट के अंदर क्या है कि सिर्फ अगर रिटन की हम बात करें, क्योंकि टेक्स्ट है रिटन में, तो उसके अंदर जो है ना सिर्फ या तो ऑथर होगा उसने लिख दिया, उसके रीडर्स नहीं होंगे, या तो रीडर्स तो हैं लेकिन उसके ऑथर के हवाले से कुछ पता नहीं है, तो इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा. एजेंट जो है ना वो मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन टेक्स्ट, बट डिस्कोर्स के अंदर एजेंट्स का प्रेजेंट होना मस्ट है. नंबर थ्री कि जो टेक्स्ट है दैट कुड ओनली एग्जिस्ट इन रिटन फॉर्म. टेक्स्ट जो है सिर्फ और सिर्फ रिटन के अंदर होगा, लेकिन जो आपके पास डिस्कोर्स है इट कुड बी इन रिटन और इन स्पोकन फॉर्म या कोई भी ऑडियो विजुअल एड्स की फॉर्म में हो सकती है. नंबर फोर के ऊपर हमने कहना है कि जो टेक्स्ट होगा वो सिंपली जो है वो सीक्वेंस ऑफ आप कहेंगे सेंटेंसेस पैराग्राफ्स इस तरह से होगा, रिटन चीज़ होगी. जबकि जो डिस्कोर्स होगी इट मे बी अ सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़, उसके अंदर आइडियाज़ होंगे जो कि एक्सचेंज किए जा रहे होंगे और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स होंगे जो कि लिखे हुए होंगे. अब इसकी एग्जांपल देखें तो जो डिस्कोर्स है उसके अंदर कोई भी आपके पास ओरल कम्युनिकेशन हो गई, या फिर आपके पास जो लिटरेचर है लिटरेचर के अंदर नॉवेल्स ड्रामास, क्योंकि उसके अंदर ऑथर का भी आपको पता होता है और देन उनको क्रिटिकली इवेल्यूएट भी किया जा रहा होता है, रीडर्स का रिस्पॉन्स भी दिखाया जा रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, डिस्कोर्स के अंदर आ जाती है. अब टेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा आपके पास डॉक्यूमेंट्स जिसके ऊपर रीडर्स ने खास जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं देना होता, या स्ट्रीट साइंस हैं इसके ऊपर भी आपके पास क्या होता है कि हाँ उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है उनके, लेकिन उसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, और ये भी है कि उनके जो बनाने वाले ऑथर्स हैं उनके हवाले से भी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता. और फर्दर आपके पास पर्सनल डायरीज हो गई आपकी, उसमें भी आपके पास जो है ना वो भी जस्ट पीस ऑफ टेक्स्ट होते हैं जो आपको जो है ना कन्वे कर रही होती हैं इन्फॉर्मेशन, उसको भी ज़्यादा लोग पढ़ने वाले नहीं है क्योंकि पर्सनल डायरी है. सो दे वर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स. अब ये तो हो गया की डिफरेंस बिटवीन डिस्कोर्स एंड टेक्स्ट, और अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि था कि रिटन लिटरेचर जो है वो डिस्कोर्स है टेक्स्ट है या फिर बोथ है. लेकिन जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जो रिटन लिटरेचर है उसके अंदर ऐसा लिटरेचर जो कि प्रोडक्टिव है जिसके ऊपर सोशल रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो चीज़ें डेफिनेट सी बात है डिस्कोर्स हैं, रिटन की बात हम कर रहे हैं. तो अगर जो है ना कोई ऐसा लिटरेचर है जो कि बल्कि उसको हम लिटरेचर ही नहीं कहेंगे ना, कोई ऐसी बुक्स हैं या कोई ऐसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं
जो है ना टाइम गुजरने के साथ साथ उनके रीडर्स ख़त्म हो गए, अब उनके ऊपर रिस्पांस जो है ना उस तरह का नहीं रहा, रिस्पांस नहीं आ रहा उसके ऊपर सोसाइटी की तरफ से, तो वो जो है ना फिर टेक्स्ट कहलाएंगे, वो लिटरेचर नहीं कहलाएंगे। तो हम जो है ना यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई ऑल द डिस्कोर्सेज हैव टेक्स्ट बट नॉट ऑल द टेक्स्ट आर डिस्कोर्सेज। ये पॉइंट जाना आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि जितनी भी रिटन डिस्कोर्सेज होंगी उनके अंदर टेक्स्ट मौजूद होगा, लेकिन हर एक टेक्स्ट जो है वो डिस्कोर्स नहीं होगा, क्योंकि हर एक टेक्स्ट को जो है ना रिस्पॉन्ड करने वाली ऑडियंस नहीं मिलती। आई होप यू गेट माई पॉइंट, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आई कैन हेल्प यू मोर विद सच कॉन्टेंट्स। थैंक यू।